क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है आपका आज का राशिफल, क्या है नक्षत्र और सितारों की चाल, क्या होगा आज के दिन आपके राशि का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं इस राशि से, फिर क्रमशः बारी बारी से सभी राशि वालों के राशिफल के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करें उससे पहले, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखे हुए बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके जस्ट बगल में घंटी के आकार के बेल आइकॉन के बटन को दबाकर आप अपलोड होने वाली सभी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले, आज के दिन की जो अच्छी बातें हैं कि पैसों की स्थिति में जल्दी ही कुछ अच्छे सुधार हो सकते हैं, कोई बड़ा सौदा हो सकता है, किस्मत के प्रभाव से जो भी होगा आज के दिन आपके फेवर में होगा, धन के लिए अच्छे संकेत दिख रहे हैं, इनकम के मामले में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होगा, बिजनेस में आपको हर तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, आपका मन भी आज प्रसन्न रहेगा, कई मामलों में आपकी सहज बुद्धि कारगर साबित हो सकती है। कुछ नेगेटिव बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, रोजमर्रा के कुछ कामों में आपका मन कुछ आज कम लग सकता है और कुछ बातें आपको परेशान भी कर सकता है, पुरानी बातें भी कुछ आपके दिमाग में चल सकती है। प्रेम लाइफ की यदि बात करें, प्रेम प्रसंग को लेकर, तो आज के दिन जो लोग पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ दोस्ती में हैं और अपने दिल की बात शेयर करना चाह रहे हैं वो आज अपना लव प्रपोजल एक दूसरे को दे सकते हैं, समय अच्छा है, सफलता आपको मिल जाएगा। आज आपका ध्यान पूरी तरीके से आपके संबंधों पर केंद्रित रहेगा। करियर में आपको पहले ही बताया कि अधिकारियों से मदद मिलने के योग बन रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन वाले लोगों को नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। इस राशि के छात्रों को आज मेहनत के बावजूद कुछ कम परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द आज आपको कुछ परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। आज के दिन केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले, आज आप जो भी काम करें दूसरों के साथ सहयोग और टीम वर्क से करें, आपके सामने रिश्तों और पार्टनरशिप के कुछ मामले बहुत खास रहेंगे, आपने समझदारी से काम लिया तो इन्हीं के दम पर ही आपको काफी अच्छे नतीजे और पुरस्कार मिल सकते हैं, रूठे हुए दोस्त या किसी साथी को आप आज मना लेंगे, आज आप जीवन साथी की भी अपेक्षाएं पूरी करेंगे, न्यायालय मामले में आपको सफलता मिल सकती है, मनोरंजन के कुछ अवसर अचानक मिल सकते हैं, जो नहीं सोचा है वो काम भी आज पूरा हो जाएगा, मामा पक्ष की ओर से आज आपको सहयोग मिल सकता है। लेकिन आज के दिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आज कई प्रकार की बातों को एक साथ दिमाग में ना चलने दें, मन को धैर्य रखें, अपने दिल में संतुष्टि की भावना जगाए रखें, अधिक पाने की चाहत में अधिक लालच ना करें। लव लाइफ में आज आपके पास कोई विवाह प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, आज आप लोगों से मुलाकात करते हैं
तो आज आप सफल हो सकते हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक। कार्य क्षेत्र में आपको बता दिया कि आपके जीवन में कुछ सावधानी पूर्वक काम करने में सफलता मिलेगा, अन्यथा आप कुछ परेशानी हो सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज यदि बात करें तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव हो सकता है, खास करके पेट से संबंधित परेशानी हो सकता है। आज के दिन आपको उपाय में 5 लाल लौंग कपड़े में बांधकर अपने साथ रख लें, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले, आज आपके जीवन में अचानक से धन लाभ हो सकता है। आज आपके सामने आगे बढ़ने के कई नए मौके आ सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में आपको लाभ मिलने वाला है। आपके कामकाज से भी सभी लोग खुश रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से कोई मदद मिल सकती है। भाइयों और दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा। आज आप अपने कामों को अपने ध्यान पूर्वक करने में सफल होंगे। दूसरों की खातिर आपको आज कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है। इससे आपको आने वाले दिनों में फायदा अवश्य होगा। आज के दिन आपको कुछ बातों का जो ध्यान रखना है, विशेष रूप से जो आपको नकारात्मक परिणाम दे सकता है, इन बातों में खास करके अपनी ही गलतियों से आपको आलस और लेट लतीफी के कारण किसी समस्या में फंसते हुए आप आज नजर आ सकते हैं। इसलिए आज के दिन आलस ना करें, टाइम पर ही सारे काम को करने का कोशिश करें। आज के दिन सोचे हुए काम आपको यदि पूरी तरीके से संपूर्ण परिणाम नहीं दे रहा है तो इसके लिए अपने मूड को खराब ना करें। मन में विश्वास बनाए रखें, काम आपका सफल जरूर होगा। इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो आपके साथी, आपके पार्टनर आपके हर बात को समझ पाएंगे। हो सकता है वो आपसे आज कोई सलाह भी लें। प्यार के लिए आज आपको समय मिलने वाला है। कुल मिलाकर लव लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर से आपको खुशी मिलने वाली है। आज के दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिर दर्द और बदन में दर्द से आप कुछ परेशान हो सकते हैं और कोई चीज कहीं रुक रख कर भूल भी सकते हैं, इसलिए इन बातों का भी ध्यान आपको देना चाहिए। इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई का कुछ दबाव रह सकता है, लेकिन पढ़ाई करने में उनको आलस्य का सामना करना पड़ सकता है। एकाग्रता आपको बनाए रखने की आज कोशिश करना होगा। आज के दिन उपाय में भगवान श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले, आज ऑफिस में दूसरों के विवाद को आप निपटारा कर सकते हैं। आपका रवैया और सोच सकारात्मक हो सकता है। दूसरों के प्रेम और समर्थन के दम पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आज बढ़ जाएगा। आज आप जो कुछ भी करें बहुत शांति और सोच समझकर ही करें। अन्य मामलों में आप दूसरों को अपनी बात से सहमत कराने में बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। विषम परिस्थितियां आज आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आज के दिन कुछ बातों में जो आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का अत्यधिक रिस्क ना लें। बहुत ज्यादा रिस्क लेना आज आपके फेवर में नहीं है और जल्दबाजी आज के दिन किसी भी काम में ना करें। जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है, नहीं तो जल्दबाजी में आज आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। आज के दिन आपको फिजूल खर्ची से भी बचना होगा। आज लव लाइफ की यदि बात करें तो आपके निजी जीवन में कोई बहुत बड़ी बात उलझ सकती है। शांति से किसी मामले को निपटा लें, वरना आपकी पर्सनल लाइफ कुछ खराब हो सकती है। इसलिए अपना मूड ठीक करें और समस्याओं पर सीधी लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आप सामने वाले से बात करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका दिन बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है और स्वास्थ्य का आज आपको सुख मिलेगा।
आज के दिन उपाय में क्या करें? उपाय में आज के दिन भगवान श्री गणेश को हरे मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल आपको दान करना है। इससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले, आज के दिन पैसों की चिंता खत्म हो सकती है और धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन आप अपना उधार भी पूरा कर सकते हैं, चुका सकते हैं। आज मिलने वाले पैसों का निवेश कुछ इस तरीके से आप करेंगे जिसका भविष्य में आपको फायदा होने वाला है। बिजनेस करने वाले लोगों को आज के दिन विशेष सफलता मिल सकता है। आज आप कोई बड़ा सौदा भी कर सकते हैं। दोस्तों और भाइयों से समय पर मदद मिलने वाला है। जिस काम में आप परिश्रम करेंगे वह काम आज जल्द ही पूरा हो जाएगा और उनसे आपको धन लाभ भी होने वाला है। कुल मिलाकर दिन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन आज के दिन आपके लिए कुछ नकारात्मक बातें जो ध्यान देने वाली है कि आज आपके तेवर कुछ अधिक ही सख्त हो सकते हैं, जिससे कुछ लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, कल्पना छोड़कर वास्तविकता में ही रहें। कुछ काम समय से पूरे नहीं हो पाने से आप अच्छे मौके भी गंवा सकते हैं। इसलिए इन बातों को आपको ध्यान आज के दिन रखना चाहिए। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो आप कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो सकते हैं। किसी की बात को गलत, अपने पार्टनर की बात को गलत आप समझ सकते हैं। आज के दिन आप खुद पर नियंत्रण रखें। समस्या पर आप अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें और शांतिपूर्वक बात करें तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगा। कैरियर में आपको मैंने बताया कि आज कोई बहुत बड़ा जोखिम का फैसला ना लें। आज के दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको एसिडिटी से कुछ परेशान हो सकते हैं, इसलिए खाने पीने के चीजों में आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय आज के दिन चने की दाल आप किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत ही उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले, बिजनेस में आज पैसों से जुड़ा फायदा आपको हो सकता है। कैरियर में अच्छा खासा बदलाव भी हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कैरियर में आपने जो भी अनुभव हासिल किया है आज आप उसका उपयोग करने वाले हैं। अपने निजी जीवन में आज आपको इस बदलाव का कुछ अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। पैसों के मामले में आज आप काफी चतुर साबित हो सकते हैं। चालाकी भरे कदम आज आप उठा सकते हैं। आज आप काफी बिजी भी हो सकते हैं और आपको बाद में कुछ नई जिम्मेदारी, नई चुनौती मिल सकती है। कुछ लोग आज के दिन आपसे अजीब व्यवहार कर सकते हैं। एक बार में एक से ज्यादा काम हाथ में ना लें, वरना खुद को कुछ फंसा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। इन बातों में आज आपको ध्यान रखना है और अपने प्लानिंग को आज आप बनाते हैं तो इसको किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर ना करें, क्योंकि दुश्मन आपके खिलाफ कुछ साजिश, कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो आपको कुछ अकेलापन महसूस हो सकता है। पार्टनर के लिए आज आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन आपको कहीं से कोई धन लाभ भी होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन पार्टनर से कोई बहुत बड़ा वादा ना करें, नहीं तो आगे चल के आपको इसका नुकसान हो सकता है। आज के दिन आप किसी नए संबंध की ओर ना बढ़ें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहें, कुछ पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आज के दिन उपाय में लाल चंदन पानी में मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें, यह आपके लिए दिन को उत्तम बनाने वाला उपाय सिद्ध होगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वाले, आज पैसों का दबाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे में आज आपको राहत मिलने वाली है। आर्थिक क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके आज आपको प्राप्त होंगे। आपकी टेंशन, समस्या खत्म होने वाली है। स्वास्थ्य भी आज आपका अच्छा रहेगा।
आपका बिजनेस आज बढ़ सकता है। बिजनेस और नौकरी में सफलता प्राप्त करने के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। आज के दिन विपरीत लिंग वाले लोगों के प्रति आकर्षण हो सकता है, मतलब यदि आप मेल हो तो फीमेल के प्रति और फीमेल हो तो मेल के प्रति आपका आकर्षण कुछ अधिक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आज खुशियां बरकरार रहेगा। आज आप ज्यादातर मामलों में सफल हो सकते हैं। कुछ वादे और सौदे आज आपको करने पड़ सकते हैं जो अचानक से आपके सामने आ जाए। आज के दिन आपको विशेष सावधान जो रहना है कि किसी व्यक्ति से फालतू की बात ना करें, अधिक खर्च ना करें और किसी काम में जरूरत से ज्यादा मेहनत या पैसा ना लगाएं। इन बातों को आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज आपकी भावनाओं का स्तर बढ़ सकता है और आप अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपकी साथी आपकी मनोदशा को समझ जाएंगे। पार्टनर से सहयोग और सरप्राइज मिल सकता है। कुल मिलाकर दिन अच्छा है। करियर में आज आपको फायदा जरूर होगा। पार्टनर भी आपके लिए मददगार रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा साबित होगा। यदि कोई टेस्ट या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य आज उत्तम बना रहेगा। कोई पुराना रोग भी आज खत्म हो सकता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी को पूजन करें। भगवान विष्णु जी को आज के दिन आप आरती करें या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले आज अधिकारियों से मेलजोल बढ़ेगा। इनकम और खर्चे की स्थिति संतुलित रहेगी। आप लोगों के साथ मिलकर धन कमाने के अच्छे मौके तैयार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ा ठीक रहेगा। जीवन के प्रति आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा। नई कला साहित्य और संगीत में आपकी रुचि रहने वाली है। लेकिन कुछ नकारात्मक बातें जो आपको परेशान कर सकता है कि आज आप कुछ समय के लिए अकेले में रहने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई अच्छा खासा मौका हाथ से निकल जाएगा। राजनीति और धन से जुड़े मामलों पर किसी बात को लेकर किसी से बहस होने का संकेत दिख रहा है। इन बातों की ओर भी आपको आज ध्यान देना चाहिए। आज आप अपने सोच को ऊंचा रखें। अपने सोच को इस प्रकार से बनाए रखें ताकि किसी दूसरे के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, नहीं तो इन बातों को लेकर भी योग दिख रहा है। आज के दिन लेन देन में जोखिम ना लें। जरूरत के हिसाब से ही किसी भी प्रकार के लेन देन सोच समझ कर करें। लव लाइफ में आज किसी बात या विषय पर पार्टनर को आपको रिएक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, अर्थात पार्टनर से आपको लेट रिप्लाई मिल सकता है। लेकिन फिर भी आज कुछ संबंधों में बदलाव की इच्छा आपके अंदर हो सकती है। आज नए प्रेम संबंधों को वहीं स्थगित कर पुराने प्रेम संबंधों पर आपका ध्यान जा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन आपका उत्तम गुजरेगा। आज के दिन उपाय में आपको जो करना है, केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वाले आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है। पैसों से जुड़ा कोई अच्छा फायदा हो सकता है। नौकरी धंधे के क्षेत्र में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सुस्ती महसूस करने के बावजूद आपको मानसिक ऊर्जा के दम पर आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। शरीर से आप कुछ आलस महसूस कर पाएंगे लेकिन मन के हिसाब से आपकी ऊर्जा तेज होगी। जरूरी काम आज आप निपटा लेंगे। दूसरों की मदद करने का कोई भी मौका आज के दिन ना गंवाएं। सोचे हुए कामों में सफलता मिल सकती है। आज आपका परफॉर्मेंस पिछले दिनों से अच्छा रहेगा। जीवन साथी से कुछ अपेक्षाएं आपका आज अधिक होने वाला है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में मान सम्मान आपके बढ़ने वाले हैं। माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे आपका आकर्षण बढ़ने वाला है।
आज के दिन आपको खास करके यदि लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी से अपने दिल की बात आप शेयर करने वाले हैं, और आज आपका जीवन साथी आपके किसी बात के लिए तुरंत सहमत हो जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातों पर जो आपको ध्यान देना है कि एक्स्ट्रा मेहनत आज आपको कुछ करना पड़ सकता है। नई नौकरी यदि आप तलाश रहे हैं तो वो माहौल आज आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए इन बातों को आपको ध्यान देना है। जरूरत से ज्यादा भावुक आज के दिन ना हो। और उपाय में यदि बात करते हैं तो आज के दिन मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी गरीब व्यक्ति को 1 रुपये का सिक्का या बिस्किट दान करें, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले, आज काम काज के सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आज आप सही योजनाएं बनाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज आपका पूरा ध्यान आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर रहने वाला है। नए काम शुरू होने के योग बन रहे हैं। आज आप कुछ पुराने और अच्छे दोस्त से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलने का योग भी नजर आ रहा है। आप नियम कानून और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आज के दिन समर्पित होने वाले हैं। आपको जो सलाह और जानकारी मिलेगा वह आपके लिए बहुत ही कामगार सिद्ध होगा। नेगेटिव बातों पर जो ध्यान देना है कि परिवार के लोगों की फरमाइश पूरा करने में आपका आज बहुत ज्यादा समय व्यर्थ हो सकता है और कुछ धन का खर्च भी अधिक हो सकता है। इन बातों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सावधान रहें, आज के दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकता है, इसलिए इन बातों को लेकर भी आपको आज सचेत रहना है। इस राशि के लव लाइफ वाले लोगों के लिए यदि बात करते हैं तो जो लोग अविवाहित हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करते हैं और आप इजहार करना चाहते हैं तो दिल आपके आज पक्ष में रहने वाला है। दिल की बात कह दें, बस अपने वाणी पर संयम रखें और पार्टनर के साथ व्यवहार में सावधानी करें, वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। आज के दिन उपाय में भगवान विष्णु को पपीते का भोग लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, आज आप लगभग हर काम में सफल हो सकते हैं। लगभग सभी लोगों को प्रभावित करने में भी आपको सफलता मिलने वाली है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, संतान से मदद मिल सकती है, नौकरी में सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, धन लाभ भी हो सकता है। आपका पूरा ध्यान निवेश, उधार पैसे और बचत के मामलों में रहने वाला है। आप अपने खर्च, आमदनी और देनदारियों पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं। किसी उलझे हुए मामले का समाधान आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आज के दिन आप अपने कैरियर को लेकर कुछ हद तक चिंतित लेकिन रह सकते हैं। ये कुछ नकारात्मक बातें हैं। और एक और बात कि यदि आप आज यात्रा करते हैं कोई, तो यात्रा में आपको कुछ कष्ट हो सकता है। आज आप अन्य लोगों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी रखें, कोई ऐसी बात ना बोलें जो आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। आज के दिन लव लाइफ में आपको कुछ सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बातों पर आज आपका साथी आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए अधिक इमोशनल ना हो। हो सकता है वो मजाक में बोले हैं, इन बातों को लेकर आप अधिक सीरियस ना रहें। करियर के दृष्टिकोण से जो लोग प्रमोशन के लिए पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, और यदि आपके ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है तो आज प्रमोशन आपका हो जाएगा या कुछ बात आगे बढ़ सकती है। किस्मत का साथ इस मामले में आपको मिलने वाला है। आज के दिन स्टूडेंट को पढ़ाई में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन यदि बात करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो आपके सेहत में सुधार होगा। उपाय में आज के दिन जो आपको करना है, भगवान विष्णु जी का आरती करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहने वाला है।
अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले कोई व्यक्ति आज आपको कोई गोपनीय बातें बता सकता है, आपको उसे गोपनीय ही रखना चाहिए, अर्थात कोई गुप्त बातें यदि आपको पता चल रहा है तो सबसे आप शेयर ना करें, अपने दिल तक ही रहने दें। अपने जीवन साथी या किसी और बेहद करीबी व्यक्ति के साथ आपकी लंबी बात हो सकती है, आप नई चुनौतियों के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। अपनी क्षमता साबित करने के लिए आज अच्छा समय रहने वाला है। पैतृक संपत्ति के मामले आज कुछ उलझ सकते हैं, आज इस मामले को लेकर कुछ नई चुनौती भी आ सकती है, इस तरफ आपको ध्यान देना है। दूसरों को खास करके झूठी दिलासा ना दें, वाणी पर संयम रखें, कुछ दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, इन बातों पर भी आपको आज विशेष रूप से सतर्क रहना है। आज के दिन आप कोई भी नया काम करने से बचें, नहीं तो कुछ परेशानी आपको हो सकती है। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो लव लाइफ के संबंधों में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जो भी फैसला लेंगे वो आसानी से नहीं बदल पाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही निर्णय करें। सेहत आज आपको कुछ परेशान कर सकता है, कोई पुराना रोग आपको फिर से तंग कर सकता है, इसलिए इन बातों पर ध्यान देना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। उपाय में आज के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज आपने देखा क्या कहता है आपका आज का राशिफल। इसी प्रकार से ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप सभी दर्शकों से अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।